राम नाम सुध धरतो जोतु कृष्ण नाम सुध धरतो पिछलो जन्म। कौन सा पिछलो? जो हम भोग कर आ रहे हैं। पिछलो जन्म आगलो तेरो, आने वाला जो जन्म जो भी हम लेंगे। दो जन्म सुधरतो जो तू राम नाम सुधरतो। पीछे क्या किया हमें नहीं पता, हम क्या करके आ रहे हैं। हमें वर्तमान पता है कि हम क्या कर रहे हैं। भाई हम ये भी नहीं कहते कि आप 24 घंटे प्रभु भक्ति प्रभु सेवा में लगे रहो। देखिए जितना तुमसे बने, कहने का भाव जो तुमसे बने ठाकुर की सेवा आप अपने भाव से करते रहो। आज गोविंद ने हिरण्याक्ष को और हिरण्याकश्यप को क्या दिया जी? मोक्ष दिया। हिरण्याक्ष और अच्छा हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप कौन है? ये दिति के पुत्र तो हैं। पिछले जन्म में क्या थे? जय और विजय थे। भगवान विष्णु के पार्षद थे जी ये लोग। एक बार क्या हुआ था, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि व्यर्थ का गुस्सा हमारे भजन को नष्ट करता है। व्यर्थ का गुस्सा। ब्रह्मा जी के चार पुत्र हैं, कौन कौन से? सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। चारों पुत्र एक बार विष्णु भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे और परमात्मा उस समय थोड़ा आराम कर रहे थे, तो इन दोनों पार्षदों ने जय और विजय ने उनको रोका था कि प्रभु एक थोड़ा आप थोड़ी देर बाद आ जाना, अभी परमात्मा विश्राम कर रहे हैं। तो इनको गुस्सा आया था मात्र एक बार। ध्यान देने वाली बात है, गुस्सा आया, इन्होंने उन तीनों को श्राप दे दिया, उन दोनों को श्राप दे दिया, इन चारों भाइयों ने। क्या श्राप दिया? कि तुम राक्षस हो जाओ। अरे तुम राक्षस ही हो, अगर एक भगत को भगवान से मिलने के लिए रोक रहे हो तो तुम जाओ राक्षस हो जाओ। जब ये गुस्सा उनको आया तो उनका तप नष्ट हो गया जी, तप नष्ट हो गया। जिस प्रकार से हम पैसे गिनते हैं ना, अच्छा पैसे की तो चलो बात छोड़ो, जिस प्रकार से कोई भी सामान है घर में हम उसको गिनते हैं, आज एक हो गया कल दो हो गया फिर तीन हो गया, परमात्मा ने ये दिया वो दिया ये दिया वो दिया, धीरे धीरे हम इकट्ठा करते हैं। उसी प्रकार से ना हमारा जो भजन है जो तप है जो अच्छे कर्म है वो इकट्ठे होते हैं, और जब इकट्ठे होते हैं तो उसी प्रकार से हमें फल प्राप्ति होती है। ध्यान दो इस बात पर, उसी प्रकार से फल हमें प्राप्ति होती है। आज जय और विजय के इतने तप थे कि वो भगवान विष्णु के साक्षात्कार कर सकते थे डायरेक्ट वैकुंठ धाम में जाकर, क्षीर सागर में जाकर विष्णु भगवान के साक्षात्कार दर्शन कर सकते थे तप के प्रभाव से। थोड़ा व्यर्थ का गुस्सा आया, उनको श्राप दिया तो विष्णु धाम में उनकी एंट्री बंद हो गई। श्रापित देकर जैसे ही वे अंदर की तरफ तो जा रहे थे तो श्री वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी में लिखा है कि नारायण ने